हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे नीम के पत्तियों के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण के बारे में। आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद में औषधि के रूप में नीम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नीम से होने वाले कितने फायदे हैं। दोस्तों, अगर आप मोटापा घटाना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, फिर भी आप मोटापा नहीं घटा सकते हैं, तो आज मैं बताऊंगी कि आप नीम के पत्तियों से अपना मोटापा बहुत आसानी से घटा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी एक ड्रिंक बनाने के बारे में, जिस ड्रिंक के इस्तेमाल से आप मोटापे से यूँ छुटकारा पा सकते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए एक गिलास पानी, एक मुट्ठी ताजी नीम की पत्तियाँ, एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच शहद। अब हमें नीम की पत्तियों को अच्छी तरह कूटकर इसका रस निकाल लेना है। इसके बाद पानी में नींबू का एक चम्मच रस, एक चम्मच शहद और नीम की पत्तियों का रस मिलाकर रोजाना खाली पेट पीने से आप अपने मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा निरंतर सिर्फ एक महीने में आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपको अगर कील मुहासे की समस्या है तो इसके लिए भी नीम बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। अगर आपके कील मुहासे हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी नीम से बना एक ऐसा पेस्ट जिसके सिर्फ 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से आप अपने कील मुहासे यानी ब्लैक हेड्स और पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक मुट्ठी ताजी नीम की पत्तियाँ, एक चम्मच एलोवेरा जेल। अब इन दोनों को मिलाकर आप पेस्ट बना लीजिए। इसको हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही इस्तेमाल करना है। इसे अपने फेस में लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब ये हल्का ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से इसे वॉश कर लीजिए। आप पाएंगे साफ, बेदाग और निखरी त्वचा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नीम हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हमें नीम का तेल लगाने से बहुत फायदा मिलेगा, हमारे बालों का टूटना, झड़ना, सफ़ेद होना या फिर दो मुहा होना, ये सारे चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। हमें नीम का तेल बनाने के लिए चाहिए एक मुट्ठी ताजी हरी नीम की पत्तियाँ और 50 ग्राम नारियल तेल। अब हमें नारियल तेल को गर्म करना है और इसमें हरी नीम की पत्तियाँ डालनी है और तब तक पकाना है जब तक नीम की पत्तियाँ काली ना हो जाए। जब नीम की पत्तियाँ काली हो जाए तो तेल को थोड़ा ठंडा करके छानकर 1 cc में रख लेना है और इसे रोजाना जब आप तेल लगाते हैं यानी रात को सोते वक्त या सुबह नहाने के बाद जब भी तेल लगाते हैं इस तेल का इस्तेमाल करें। इससे आप पाएंगे चमकदार, लंबे, घने व काले बाल। दोस्तों, अगर आपके दांत या मसूड़ों में समस्या है तो नीम की डंडियाँ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा है जिनकी उम्र तो काफ़ी है, उसके बावजूद उनके दांत बहुत मजबूत हैं। ये इसलिए है क्योंकि वो दातुन यानी कि नीम का दातुन इस्तेमाल करते थे, ना कि पेस्ट। हम जानते हैं कि 50 से 100 साल पहले हम दतवन का ही यूज़ करते थे, हम पेस्ट नहीं यूज़ करते थे, जिसका रिजल्ट है मजबूत दांत व मजबूत मसूड़े। अगर आपको दांत की कोई भी समस्या है जैसे पायरिया या फिर टीस या फिर आपके मुंह से दुर्गंध आती है, तो नीम के दतवन का इस्तेमाल करने से आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे और साथ ही पाएंगे मजबूत दांत व मजबूत मसूड़े। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डायबिटीज हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। डायबिटीज वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं, ना वो सही से खा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, तो उनके लिए भी नीम बहुत फायदेमंद है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए नीम के बीजों को धूप में सुखाकर उसका चूर्ण बना ले। उसके बाद रोजाना 1 चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट लेने से आप डायबिटीज यानी शुगर जैसी परेशान करने वाली बीमारी से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, नीम में इंसुलिन होता है जो डायबिटीज को कम करने में मदद करता है।
साथ ही अगर किसी को बवासीर की परेशानी है तो उनके लिए भी ये बीज बहुत महत्वपूर्ण होगा। रोजाना एक चम्मच नीम के बीज का चूर्ण गर्म पानी के साथ खाली पेट लेने से आपको बवासीर जैसे परेशान करने वाली बीमारी से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कहीं इन्फेक्शन की वजह से खुजली या फिर इरिटेशन होती है तो आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर रोजाना करीब 8 दिन या 10 दिन लगाएंगे तो आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप रोजाना नीम के पत्तों का जूस या नीम के बीज के चूर्ण का इस्तेमाल रोजाना करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। अगर नीम के पत्तों का या फिर नीम के बीज का चूर्ण हम रोजाना यूज करेंगे तो हमें रक्त संचार बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे हमारा रक्त संचार सही रहेगा। और साथ ही हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे ब्लड में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, पेट की बहुत सारी समस्याओं से भी नीम की पत्ती, नीम का बीज हमें राहत दिलाता है। रेगुलर यूज से हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि हमें रोजाना सिर्फ 15 से 20 पत्तों का ही इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा शायद हमारे लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि नीम बहुत गर्म होता है, इसलिए हमें रोजाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर हम रोजाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं तो वैसे भी हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि नीम का पेड़ हमारे लिए क्यों औषधि में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नीम की सारी चीज़ों से हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब आप नीम जैसे पुरानी और महत्वपूर्ण औषधि का उपयोग करेंगे और अपनी बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू तरीकों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।